हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही माजा की रेसिपी तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस हमें दो चीज़ का ही जरूरत पड़ती है आम और चीनी की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए हमने दो आम लिए हैं एक आम कच्चा है और एक पका हुआ है दोनों कच्चा और पके हुए आम से क्या है खट्टा मीठा स्वाद आता है इस तरह से हम आम को छील लेंगे और इसे छिल कर छोटे छोटे टुकड़ों में इस आम को काट लेंगे देखिए हमारा आम ज़्यादा कच्चा नहीं था थोड़ा खट्टा स्वाद था और दूसरा आम काफ़ी पका हुआ था तो इस तरह से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उस पर हम आधा गिलास पानी डालेंगे और सभी काटे हुए आमों को इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से हम चीनी और आम को मिला लेंगे हमको इसमें थोड़ा सा चीनी कम लगा है तो थोड़ा सा चीनी हम फिर से डाले हैं और इसे इस तरह से अच्छे से मिला करके इसे हम उबलने देंगे पाँच मिनट तक इसे उबालेंगे ये देखिए हम पाँच मिनट हो गया है और आम काफ़ी पक गया है और आम और चीनी इस तरह से पक के मिक्स हो गया है अब हम इसे ठंडा कर लेंगे गरम गरम आप इसे नहीं पीसे इसे ठंडा होने दें ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे इसको अच्छे से पीसना है काफ़ी देर तक इसे पीसना है ताकि इसका पेस्ट जो है ज़्यादा पतला हो सके क्योंकि माजा माजा की तरह ये बन सके इसको बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है बस दस से पंद्रह मिनट में बनके तैयार हो जाता है बड़ी ये हमारा आम पिसा गया है और इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी गाढ़ा है अभी इसमें अभी पानी डाल करके इसे पतला करना होगा हम इसमें एक गिलास पानी डाले हैं और इसे हम अच्छे से मिला ले मिला करके देखेंगे कि इसका थिकनेस कैसा है ये अभी भी बहुत ही गाढ़ा है तो इसमें एक गिलास और पानी डालना होगा तो हम अभी एक गिलास पानी और डाले हैं और इसे फिर से मिला करके देखेंगे कि ये कितना गाढ़ा है और कितना पतला है ये देखिए ये इस तरह से इसका लिक्विड इस तरह से रखेंगे और इसे हम इसमें दो नींबू का रस डालेंगे ताकि इसमें खट्टा का स्वाद आ सके अब हम इसे एक चालने की मदद से इसे हम छान लेंगे आप इसे छकने से भी छान सकते हैं तो चालने से इस तरह से हमने हाथों से ही इसे छान लिया है इसके काफ़ी रेसे निकले थे तो इस तरह हमारा माजा बनके तैयार हो गया है आप भी बनाएं और बच्चों के साथ इसे एंजॉय करें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करे बाय